जिनेवा संधि के तहत 1956 में अमेरिका ने वियतनाम के लोगों से चुनाव करवाने का वायदा किया, लेकिन बाद में वो मुकर गया, जिसके बाद अमेरिका में ही इस बात का विरोध होने लगा। और उधर उत्तरी वियतनाम पर चीन और सोवियत संघ ने अपना समर्थन और बढ़ा दिया था। और इतना ही नहीं, वियतनाम के लोग भी अपने देश पर मर मिटने को तैयार थे। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन 1972 तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कम्युनिस्टों ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया। फिर अमेरिका ने मई और जून 1972 में उत्तरी वियतनाम में खूब बमबारी की। उत्तरी वियतनाम की ओर से भी बराबर बदले की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भले ही खूब बमबारी की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके सैनिकों का हौसला टूट चुका था। बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से अमेरिका पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव भी था। वियतनाम वॉर अमेरिका के लिए साख का सवाल भी बन गया था, लिहाजा अमेरिका ने गोरिल्ला युद्ध में लगाम लगाने के लिए एक भयानक चाल चली। हथियारों से होने वाला युद्ध अब खतरनाक केमिकल से होने लगा। अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ नापाम और एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नापाम एक ज्वलनशील पेट्रोकेमिकल पदार्थ था, जिसका इस्तेमाल जंगल को जलाने में किया जाने लगा। वहीं एजेंट ऑरेंज एक ऐसा रसायन था जिसके छिड़कने से जंगल के पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती, जिससे जंगल में छिपे वियतनाम के सोल्जर्स का छिपना मुश्किल होने लगा। बावजूद इसके अमेरिका अपने इस कदम से कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की केमिकल वॉर से वियतनाम के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह होने लगी, जिससे स्थानीय लोग भुखमरी का शिकार होने लगे। आक्रोश बढ़ने लगा। वियतनाम की ग्रामीण जनता ने मन में अमेरिका की नकारात्मक छवि गढ़ने की भूमिका निभाई। वियतकोंग के सैनिक, जो नॉर्थ वियतनाम के सैनिक जो अमेरिका के खिलाफ प्रकृति का इस्तेमाल करते थे और छुप के लड़ाई लड़ते थे, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको ढूंढ पाना, उनको मार पाना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया। नापाम एक ऐसा हथियार है जो कांटेक्ट में आते ही आग लगा देता है, जो फटते ही उसमें हवा के उसमें कांटेक्ट में आते उसमें आग लग जाती है। तो भयंकर आग लगने से जहां के छुपे होते थे, केव्स में छुपे होते थे, बंकरों में छुपे होते थे, उनको वहां निकालने में उनको मदद होती थी। और अमेरिका ये सोचता था कि इनके द्वारा इनकी कैजुअल्टी, उनकी अपनी कैजुअल्टी कम होगी। दूसरी बात, जो ऑरेंज एजेंट जो इन्होंने इस्तेमाल किया, ऑरेंज एजेंट का इस्तेमाल एक तरह से फसल को बर्बाद करने के लिए होता है, पूरी तरह से फसल को खत्म कर देता है, जमीन को बंजर बना देता है, क्योंकि वो लोग जंगल का इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए। वहां पर छुप के अमेरिका के सैनिकों के ऊपर एम्बुश करना, अटैक करना, हमला करना और कैजुअल्टी करना, तो वहां उनको छुपने की जगह को खत्म करने के लिए उन्होंने ऑरेंज एजेंट का इस्तेमाल किया, ताकि जंगल के जंगल खत्म हो जाए और उनको छुपने की जगह नहीं मिले। अमेरिका को लग रहा था कि वियतनाम जैसे छोटे देश को हराना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब वियतनाम के सैनिकों ने शिवाजी महाराज की गनीमी कावा नीति अपनाई, तो अमेरिका की सेना वियतनाम को हरा नहीं पाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से 1973 तक अमेरिका ने वियतनाम पर करीब 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम दागे थे। एक अनुमान के मुताबिक वियतनाम वॉर में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल थे। अमेरिका ने वियतनाम में 20 साल तक लड़ाई लड़ी, 1955 से लेके 75 तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए और बहुत ताकत लगाई, पूरा एयरफोर्स का, नेवी का, भारी बम्बार्डमेंट, भारी सेना, एक समय तक 5 लाख सैनिक तक वहां पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो हारे। इसके पीछे जो कारण था, वियतनामी जो है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर संख्या थी, उनके अंदर उस जगह को जानते थे, जगह को समझते थे, वो लोकल थे, वहां के प्रकृति का इस्तेमाल करते थे, जंगलों का इस्तेमाल करते थे, एक आईडीज का जो नेचर के द्वारा हथियार बनते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, मूवी ट्रैप बना दिए, बांस के बना दिए, गड्ढा बना दिया, या फिर तीर बना दिए, आईडी बना दिए, जो बारूद कैप्चर करते थे अमेरिका से उसके बना लेते थे, उनको
रशिया और चाइना से जो हथियार मिलते थे उनका भरपूर इस्तेमाल करते थे और शोल्डर फायर्ड हथियार होते थे, उनके पास संख्या बहुत थी और लोगों के अंदर मोटिवेशन था कि इनको हमने हटाना, हमने आजाद होना है। इसी करके बड़ी संख्या में लोग उनको ज्वाइन करते थे और वो भारी कैजुअल्टी होने के बाद भी अमेरिका की सेना को हराने में निशाना बनाया गया। ज्यादातर गांव वाले फायरिंग और ग्रेनेड बमबारी में मारे गए।